ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। नवंबर तक पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत देश की 80 करोड़ जनता को अनाज देने का वादा किया। अपने संबोधन में छठ पूजा का बार बार जिक्र और नवंबर तक योजना चलाने की वजह से ये कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव पर सरकार का पूरा जोर है। इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे कि सरकार के पास कितना अनाज है और अगर वो इस योजना को लंबे समय तक चलाए तो किस राज्य को कितना फायदा होगा। इस योजना के तहत सरकार हर राशन कार्ड धारकों के सदस्य को 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल देगी। मोदी सरकार के इस आदेश के मुताबिक उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 15.20 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिलेगा। दूसरे नंबर पर बिहार है जहां के 8.57 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिलेगा। यानी देश भर में जितने गरीब लोगों को मुफ्त अनाज मिलेगा उसका 10% हिस्सा बिहार में जाएगा। सरकार की तरफ से इस योजना के तहत अप्रैल में 37.02 लाख मीट्रिक टन अनाज 74.5 करोड़ लोगों को दिया जाएगा। मई में 36.49 लाख मीट्रिक टन अनाज 72.99 करोड़ लोगों को दिया गया और जून में 28.41 लाख मीट्रिक टन अनाज 56.81 करोड़ लोगों को मिला। चावल और गेहूं के लिए सरकार ने 46,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे जिसका पूरा खर्चा केंद्र सरकार ने ही उठाया था। अब आपको बताते हैं कि सरकार के पास फिलहाल अनाज का कितना भंडार है और इस योजना को कितने दिनों तक वह चला सकते। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की मौजूदा वेबसाइट पर अगर आप जाएं तो डेटा के मुताबिक जून तक सरकार के पास 832.69 लाख मीट्रिक टन अनाज है। इसमें से 274.44 लाख मीट्रिक टन चावल और 558.25 लाख मीट्रिक टन गेहूं। चावल और गेहूं के अलावा 18 जून तक 8.76 लाख मीट्रिक टन दालें भी स्टॉक में। सरकार के मुताबिक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी NFSA और दूसरी योजनाओं के तहत हर महीने करीब 55 लाख मीट्रिक टन अनाज की जरूरत होती है। इस हिसाब से जून 2020 तक सरकार के पास जितना स्टॉक अनाज का है उससे वो अगले 15 महीनों तक गरीबों में अनाज बांट सकती है। यानी भारत सरकार अगले 15 महीने तक देश के गरीब लोगों का पेट भर सके।